जय श्री राम, वंदे मातरम। क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? वट पूजा की सभी को ढेर सारी बधाई हो। मेरी लाइव में आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने वो डिलीट करी है और अब मैं दोबारा आई हूँ। क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। शायद अंदर आवाज़ नहीं आ रही हो, इसलिए मैं बाहर आकर बैठी हूँ। और आज के इस लाइव में हमारे तीन टॉपिक रहेंगे। प्रमोद जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रमोद जी, आज इस लाइव के तीन टॉपिक रहेंगे। एक टॉपिक रहेगा कथा जिहाद, जो कि कथाओं के नाम पर जिहाद हो रहा है, धर्म युद्ध जिहाद का नाम बदनाम करके एक ऐसा जिहाद किया जा रहा है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए कि मेरी आवाज आ रही है। तो ये जो जिहाद हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं और इसको रोकने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। दूसरा टॉपिक ये रहेगा कि मजदूर जो हमारे मेट्रो सिटीज को छोड़कर जा रहे हैं और रोहिंग्यास बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, तो क्या ये एक तरह की साजिश है? क्या ये एक साजिश के तहत इनको रोका गया है, रोहिंग्यास को यहाँ पर, ताकि वो मजदूरों की जगह ले लें? क्या सच में ऐसा है? और तीसरा टॉपिक रहेगा अदिति सिंह और पंकज पुनिया का। क्या स्टोरी है, क्या हुआ, कैसे हुआ? अदिति सिंह ने क्या कहा, पंकज पुनिया ने क्या किया, और क्या ये कांग्रेस का सही कदम है? क्या कांग्रेस अपने सारे बड़े नेताओं को खो रही है? क्या कांग्रेस खत्म हो जाएगी? कांग्रेस के सभी बड़े और समझदार कद्दावर नेता यहाँ से पलायन कर जाएंगे, कांग्रेस को छोड़ जाएंगे और बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? तो हम शुरू करते हैं वट वृक्ष की पूजा से। दिन है हिंदुओं में, ये दिन बड़े शुभ और प्रसन्नता से मनाया जाता है, क्योंकि ये एक वृक्षों के सम्मान में दिवस है, वृक्षों की पूजा करने का दिवस है, पर्यावरण को मानने वाले और संभालने वालों का दिवस है। इसलिए मैंने भी वट वृक्ष की पूजा कर ली। तो इस शुभ दिवस का आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद बेबले जी, जय श्री राम जी, जयचंद शरण जी, जय श्री राम जी, एडवोकेट मानव वर्मा जी, जय श्री राम जी, सत्येंद्र सिंह जी, जय श्री राम जी, अभिषेक अर्णव जी, जय श्री राम जी, जयचंद जी, जय श्री राम जी, प्रकाश जी, जय श्री राम जी, योगेश कुमार जी, जय श्री राम जी, संजय सिंह जी, जय श्री राम जी, सत्येंद्र सिंह जी, जय श्री राम जी, जयचंद शरण जी, जय श्री राम जी, बलवंत सिंह जी, जय श्री राम जी। थैंक यू जी बताने के लिए। अगर आवाज़ नहीं आती और वीडियो हो जाती पूरी तो बहुत दुख होता। करण भाई मोहवाला जी, जय श्री राम जी, बलवंत सिंह जी, जय श्री राम जी, आशा जैन जी, जय श्री राम जी, जय जिनेन जी, बहुत ही स्वागत है इस लॉकडाउन परिवार और मन की बात के इस परिवार में आप सबका स्वागत है। प्रकाश गुप्ता जी, जय श्री राम जी। तो शुरू करते हैं वट वृक्ष की पूजा से। और ये वट वृक्ष की जो पूजा है, इसलिए की जाती है क्योंकि सुहागनों द्वारा की जाती है और सावित्री का पर्व मनाया जाता है। कहते हैं कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा का वास होता है, इसके तनों में विष्णु जी का वास होता है और शिव जी का वास इसकी पत्तियों में होता है। वैसे तो हर वृक्ष में ही ऐसा होता है, परमात्मा बसते हैं, देवता बसते हैं वृक्ष के अंदर, और इसीलिए हमें हर दिवस को वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, हर वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। वृक्षों से ही जीवन है, हम हैं क्योंकि वृक्ष हैं, है ना। तो इस पर आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है मन की बात के इस मंच पर। शुरू करते हैं हम मजदूरों से। मजदूर और भिखारी हमारे बड़े बड़े महानगरों को छोड़कर जा रहे हैं और बहुत ही कष्टप्रद स्थितियों में जा रहे हैं। इनका जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है एक राज्य से दूसरे राज्य में, वो कहाँ पर हो रहा है अगर आपको पता है तो बताइएगा, क्योंकि मैंने अभी अभी एक वीडियो देखी है, उसमें देख रही हूँ मैं कि मजदूर तो बाहर धूप में बैठे हैं, लेकिन जिस ऑफिस में उनका रजिस्टर हो रहा है, बहुत बड़ी सी जगह है जहाँ पर एक शेड भी बना हुआ है और उसमें कुछ गाड़ियाँ भी पार्क हैं और बहुत सारी जगह खाली पड़ी है। अगर वो लोग चाहें तो उन मजदूरों को उस शेड में बिठा सकते हैं ताकि वो बेचारे धूप से बच जाएं, राशन पानी
पानी ना भी दें, खाना पानी ना भी दें तो उनको धूप से बचाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने परमिशन मांगी और मजदूर कह रहे हैं हमें मना कर दिया गया। अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? मजदूरों के साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है? क्या रोहिंग्यास को जबरदस्ती एक सोची समझी साजिश के तहत देश में बसाया जा रहा है, राजधानी में बसाया जा रहा है? पड़े हुए सरकारी खाली जमीनों पर उनको बसाकर एक तरह से कांग्रेस की उस नीति का पालन तो नहीं किया जा रहा जब कांग्रेस ऐसा करती थी? बड़े बड़े खाली पड़े जो सरकारी लैंड होते थे उसमें लोगों को बसा देती थी, गरीबों को, मजदूरों को बसा देती थी सरकार। कांग्रेस ऐसा करती थी, उनको अनपढ़ ही रखती थी, उनको खैरात बांटती थी, उनको छोटी मोटी चीज़ें बांटती रहती थी या छोटी मोटी नौकरियां दिला दी जाती थी। उनको पढ़ने लिखाने पर ज़्यादा बल नहीं दिया जाता था, उनको अनपढ़ गंवार ही रखा जाता था। और जब इलेक्शन होता था उससे थोड़े दिन पहले उन झुग्गियों में आग लग जाती थी। आग लगने पर होता यह था कि आलू पूड़ी लेकर कांग्रेसी वहाँ पर पहुँच जाते थे, उनको आलू पूड़ी खिलाई जाती थी, सांत्वना बटोरी जाती थी और उसके बाद इलेक्शन में बिना कुछ पैसा बांटे ही, बहुत कम पैसा बांटे ही कांग्रेस आसानी से इलेक्शन जीत जाती थी। ये एक बहुत ही बढ़िया साजिश थी, सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इस साजिश के तहत कांग्रेस ने कई सालों तक देश पर राज किया और अभी भी ऐसा हो रहा है। बहुत सारी वीडियोज आपने भी देखी होंगी, पढ़ा होगा, सुना होगा कि सरकारी जमीनों पर रोहिंग्यास को बसाया जा रहा है। लोधी गार्डन के पास 5.2 एकड़ का किस्सा तो बहुत ही ज़्यादा जन जन की जुबान पर है, बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि वहाँ पर रोहिंग्यास को बसाया गया है। वहाँ पर उनकी ना सिर्फ झुग्गियाँ बनाई गई हैं बल्कि वहाँ पर बोरवेल भी लगाई गई है ताकि उनको पानी की कमी महसूस ना हो। जल बोर्ड किसके पास है? और फिर उनको राशन तबस से बांटा जा रहा है, उनको कोई लाइनों में लगा नहीं जा रहा, उनको कच्चा राशन बांटा जा रहा है। यहाँ तो केजरीवाल जी का 2 टाइम पक्का राशन बांटा है, जो कि दाल चावल होता था और वो भी एक छोटे से दोने में दिया जाता था। वो दोना इतना ज़्यादा छोटा होता था कि उसमें एक बंदा भी पेट नहीं भर सकता था और लाइनें इतनी ज़बरदस्त होती थी और 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम बढ़ता था। लेकिन वहाँ पर जो रोहिंग्यास को राशन दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छा है, कच्चा राशन दिया जा रहा है, वो वहीं पर पका रहे हैं, खा रहे हैं और आराम से जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर अपनी 25-30 मज़ारे भी बना लिए हैं और मज़ारे रात दिन बन रहे हैं और वहाँ पर आप लोग आसानी से पैर नहीं रख सकते, सोचना भी मत जाने का, क्योंकि वहाँ पर जान का खतरा हो सकता है। रोहिंग्यास कभी भी किसी को काट सकते हैं, मार सकते हैं। उनकी इसी हिंसक प्रवृत्ति के कारण उनको उनके ही अपने देश बर्मा से निकाला गया है। पहले वो बांग्लादेश जाकर बसे और बांग्लादेश से जमीनी रास्ते से वो हिंदुस्तान में घुसते आ रहे हैं। हमारे देश के बहुत सारे पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमाएं हमारे देश से मिलती हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, कुछ ऐसे देश हैं तिब्बत, जिनकी सीमाएं हमारे देश से लगती हैं और इनमें से कई सीमाओं से इस तरह घुसपैठी घुस रहे हैं। बांग्लादेश से अगर रोहिंग्यास घुस रहे हैं तो बाकी जगहों से कौन कौन घुस रहा है, कौन कौन आतंकवादी घुस रहे हैं, चीन क्या कर रहा है, इस बारे में चर्चा कल या परसों की लाइव में करेंगे। लेकिन आज जो ये चर्चा है जो कि रोहिंग्यास के लिए है, रोहिंग्यास को बसाकर मजदूरों को यहाँ से पलायन करने पर मजबूर कर, जी हाँ मजबूर कर, मैं मजबूर करना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ से सिर्फ भिखारी और बहुत छोटे हैसियत वाले मजदूर ही पलायन नहीं कर गए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले टेक्नीशियन भी यहाँ से पलायन करे गए हैं। मुझे नहीं पता कि वो क्यों पलायन करे, या तो उनका इस तरह ब्रेन वॉश किया गया कि उनको यहाँ पर उनकी रोजगार की संभावनाएं कभी भी खत्म हो सकती हैं, ये वायरस कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, उनकी जॉब की कितनी गारंटी है, कितने समय बाद उनको निकाला जा सकता है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इस तरह की बातें सुनी है मैंने, कुछ मजदूरों से कही गई हैं, कुछ टेक्नीशियन से कही गई हैं, जिसके बाद वो अपनी नौकरी छोड़कर महानगरों से पलायन करके अपने छोटे राज्यों में, अपने छोटे प्रदेशों में चले गए। अगर ये सोची समझी साजिश के तहत है जैसा मेरा दिमाग काम कर रहा है, आपका भी करेगा अगर आप सुनेंगे। अगर मजदूर यहाँ से पलायन कर जाते हैं और हमारे देश में, हमारी महानगरों में कंपनियां खोल दी गई हैं, फैक्ट्रियां खोलने के लिए कहा गया है, दुकानें खोलने के लिए कहा गया है, व्यापारिक संस्थान सभी खोलने के लिए कहा गया है, वो खुलेंगे कैसे, उनमें काम कैसे होगा जब तक मजदूर नहीं होंगे? और मजदूर तो हमारे सारे पलायन कर गए मेट्रो सिटीज से। अगर मजदूर यहाँ से पलायन कर गए तो उनकी जगह आसानी से रोहिंग्यास ले सकते हैं, ले सकते हैं या नहीं, और लेंगे या नहीं। इसीलिए पहले कहा गया था कि एक संस्थान में 9 से ज़्यादा मजदूर काम नहीं कर सकते, लेकिन अब खुलासा कर दिया गया है कि आप कितने भी मजदूरों को अपने व्यावसायिक संस्थान में
नौकरी दे सकते हैं, बहुत सारे मजदूर भी आप काम पर लगाया जा सकता है। सिर्फ क्या ये एक साजिश है जिससे कि रोहिंग्यास को यहाँ पर परमानेंटली बसाया जा सके? मजदूर तो अब वापस आएंगे नहीं, क्योंकि उनके साथ इतनी ज्यादा जातियां हुई हैं। बेचारे 1-1.5 महीने तक यहाँ पर फंसे रहे। उन्होंने अपनी पूरी हर संभव कोशिश करी कि उनके पास जितना भी पैसा है उस पैसे का इस्तेमाल करके वो यहाँ पर जिंदा रहें, बचे रहें, और केंद्रीय सरकार जो उनको राशन बांट रही है वो खाकर वो गुजारा कर सके। जब हदें पार हो गई और राशन के नाम पर उन पर कुछ नहीं बांटा गया, भेदभाव होने लगे, उनको कुछ राशन नहीं मिला, कोई सुविधाएं नहीं मिली, तो उनका पलायन यहाँ से निश्चित कर दिया गया। उनको यहाँ पर इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया कि अब उसको याद करके वो किसी भी हालत में यहाँ पर नहीं आएंगे। अब वो गांव में ही अपना छोटा मोटा व्यापार करेंगे या मनरेगा के काम में लग जाएंगे, जो कि हर जगह हो रहा है मनरेगा का काम। चाहे वो यहाँ पर 20,000 कमाते थे महीने के, चाहे 15,000, लेकिन वहाँ पर 3,000 रुपये की मनरेगा की नौकरी कर लेंगे, लेकिन वो महानगरों में अब वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनके साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ। और रोहिंग्यास यहाँ पर परमानेंटली बस जाएंगे, जाने अनजाने, चाहे अनचाहे आप सभी उनको अपने व्यापारिक संस्थानों पर काम पर लगाएंगे, क्योंकि आपका गुजारा नहीं होगा उनके बिना। वो आपके घरों में घुसेंगे, आपके व्यापारिक संस्थानों में घुसेंगे, अपनी कंपनियों, रोजगारों और व्यापार में सब जगह उनकी पहुंच हो जाएगी, और आप चाह कर भी उनको निकाल नहीं सकेंगे। क्या ये दोहरी चाल की गई है रोहिंग्यास को बचाकर? एक तो उनके वोट बड़ी आसानी से लिए जाएंगे, दूसरी बात यह भी हो सकती है कि कांग्रेस की राह पर जो हमारी आप सरकार लगातार चल रही है, पहले इन्होंने अन्ना को धक्का दिया जिसके सर पर पांव रखकर ये चढ़े थे, उन्हीं को इन्होंने लत मारी। उसके बाद कुमार विश्वास, जिन्होंने अपनी पूंजी, अपनी नौकरी, अपना सब कुछ इस पार्टी के लिए दे दिया, उसको भी इन्होंने धक्का दिया। ये सिर्फ कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं, कांग्रेस की सारी चालें अपना रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव से पहले ये फिर से इन झोपड़ों में आग लगवा दें और चले जाएं वहां पर आलू पूरी लेकर? वोट और सहानुभूति दोनों ही मिल जाएगी इनको। अगर ऐसा है तो बहुत ही गलत चाल है, बहुत ही बुरी चाल है, हमें इसका सामना करना चाहिए, इसको सामने लाना चाहिए। ये कैसे करेंगे, कब करेंगे, कौन करेगा, इस बारे में आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मोहम्मद तैयब जी, जय श्री राम जी, मैं आपको भी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुस्लिम भाई इकबाल कौर जी, जय श्री राम जी, क्योंकि आप लोगों के धर्म की आड़ लेकर ही ये रोहिंग्याज और आतंकवादी आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों को आगे आना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब किसी को बदनाम करके कोई आगे बढ़ता है तो वो चाहे वो घर में हो ये काम, चाहे मोहल्ले में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे देश में हो, अगर कोई किसी को बदनाम करता है और उसके ऊपर पैर रखकर आगे चढ़ता है तो सबसे पहले वो आगे आता है, सर फोड़ता है, देकर मारता है, उसका कॉलर पकड़ कर खींचता है, बताता है तूने ऐसा क्यों किया। वो काम अब आपको करना है, पूरी मुस्लिम कौम को करना है। कांजी पटेल जी, जय श्री राम जी, मनीष गोपाल मोहन जी, जय श्री राम जी, इंदर मुखी जी, जय श्री राम जी, कांजी पटेल जी, मिथिलेश शर्मा जी, संजय कुमार जी, जय श्री राम जी, कैसे हैं आप सब? सुनील दत्त जी, जय श्री राम जी, दिलीप तवेतिया जी, जय श्री राम जी, निकुंज गर्ग जी, जय श्री राम जी, कैसे हैं निकुंज जी? अनिल चौरसिया जी, जय श्री राम जी, दिलीप तवेरिया जी, जय श्री राम जी, रमेश जौनवाल जी, जय श्री राम जी, जयचंद शरण जी, जय श्री राम जी, जयचंद जी, थैंक यू जी जयचंद जी, मेरा आप हौसला बढ़ाते हैं इसे बोलकर। रितु गोयल मेरी प्यारी सखी, जय श्री राम जी, कुमारपाल सिंह सिसोदिया जी, जय श्री राम जी, कुमारपाल जी आप कैसे हैं? कुमारपाल सिंह सिसोदिया जी, विदेशी कटुओं को बरसाने की पूरी तैयारी हो रही है। जी हाँ, अपने देश के मुस्लिम भाइयों के साथ ये अन्याय कर रहे हैं, लेकिन विदेशी मुसलमानों को बसाने की, विदेशी रोहिंग्यास को बसाने के लिए ये पूरी तरह हाथ पैर मार रहे हैं। ऐसा किस लिए कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज समझाइएगा। सुनील दत्त जी, जय श्री राम जी, जय श्री राम जी, कांजी पटेल जी, जय श्री राम जी, इंदर मुखी जी, जय श्री राम जी, बलवंत सिंह चौहान जी, जय श्री राम जी, करण भाई मोवरा जी, जय श्री राम जी, जयचंद शरण जी, जय श्री राम जी, बलवंत सिंह जी कह रहे हैं जय सिया राम, संजय सिंह जी, जय श्री राम जी, सत्येंद्र सिंह जी, जय श्री राम जी, योगेश कुमार जी, जय श्री राम जी, जयचंद शरण जी, अभिषेक अर्णव जी, सत्येंद्र जी,
एडवोकेट मानव वर्मा जी, जय श्री राम जी, प्रमोद बेबले जी, जय श्री राम जी, आप सबका इस लॉकडाउन परिवार में बहुत सारा स्वागत है। इस मन की बात के मंच पर आप सबको प्रणाम, नमन, वंदन और जय श्री राम। जय चिन शरोन जी, जय श्री राम। अब दूसरी बात लेते हैं। एक और टॉपिक चल रहा है आजकल कथा जिहाद का, जिसके ऊपर बहुत सारी खबरें आई हैं, बहुत सारे लोगों ने इस बात पर टिप्पणियां की हैं, ब्लॉग किए हैं, ट्वीट किए हैं और बहुत कुछ हो रहा है। जिहाद एक बहुत ही धार्मिक शब्द है, बहुत ही पवित्र शब्द है, इसका अर्थ है धर्म युद्ध। लेकिन इस जिहाद के नाम पर आतंकवादियों ने इसको जिहादी और जिहाद से कुछ ऐसे गलत शब्दों में जोड़ दिया है, जिसका अर्थ है आतंकवाद। और आतंक के नाम पर देश को मिटाना या काफिरों का कत्ल करना, उनका सत्यानाश करना, उनको निर्वंश करना। तो सबसे पहले तो इसलिए मैंने आपको जिहाद की डेफिनेशन बता दी है, जो मैं हर बार जब भी जिहाद कोई वर्ड को यूज करती हूँ आपको बताती हूँ। सुदर्शन सिंह जी, जय श्री राम जी। तो एक कथा जिहाद चला है, एक ऐसा जिहाद है जिसमें कि कथा वाचन किया जाता है, बड़ी बड़ी फर्में बनी हुई हैं, बड़े बड़े नाम हैं कथावाचकों के और बड़ी बड़ी फर्में बनी हुई हैं। उसमें क्या होता है, अगर आपको कहीं पर कोई कथा करानी हो, वो हमारी तरह के लोग नहीं होते, जो छोटे लोग होते हैं, अपने घर में एक छोटी सी कथा करा ली किसी भी मंदिर से, या कहीं पर कोई कथा करती हैं, लेडीज का समूह है, उनको बुला लिया, कथा हो गई, 150 लोग बुला लिए, जय श्री राम के नारे लगा लिए, तालियां पीट ली, नाच लिए, गा लिए, और जो कथा करने आया है मुझे 1,000-1,500 रुपये दे दे। ऐसी वाली कथा नहीं, ये बड़े लेवल की कथाएँ होती हैं। इसमें बाकायदा एक कंपनी बनी होती है, बड़े बड़े लोग जिनको कथाएं करानी होती हैं, या एक तरह से आप कहें कि वोट बटोरने होते हैं, या इस तरह से लोगों को इकट्ठा करना होता है, इस तरह के कथावाचकों के चंगुल में फंसते हैं। वो इन लोगों को बुलाते हैं, कथा कराते हैं। ये कथावाचक क्या करते हैं, इनका सब कुछ अपना होता है, मतलब इनकी मोनोपोली चलती है कथा में। ये अपने लोगों से ही कथा कराएंगे, इनके मंच बनाने वाले भी अपने होंगे। मंच के नाम पर ये बाहर से तो एक गंवार टाइप का झोपड़ी नुमा मंच बनाते हैं, लेकिन अंदर एसी वगैरह और सारी सुविधाएं होती हैं। ये फूलों का पूरा अरेंजमेंट अपने आप करेंगे। इनको जो इकोनॉमी क्लास नहीं, जो बड़ी बढ़िया वाली क्लास होती है ना, बिजनेस क्लास, उसके टिकट प्रोवाइड कराए जाते हैं। सिर्फ इनको ही नहीं, इनके पूरे कथा के समूह को, इनके तबलची, इनके जो वादक होते हैं, इनके जो सिंगर होते हैं, सभी को उस तरह के टिकट उपलब्ध कराए जाते हैं। इनका आने जाने का खर्च, इनका वीडियो का खर्च, इनकी कॉन्फ्रेंसिंग का खर्च, इनका जो मीडिया के साथ इनका इंटरेक्ट होता है वो सब करवाना, ये सारी चीज़ें उसके साथ सम्मिलित होती हैं। और एक बहुत बड़ा पैकेज होता है इनका जो लिया जाता है, और सब कुछ खर्चा करने के बाद एक प्रोग्राम का 40-50 लाख रुपया ये कथावाचक प्रॉफिट कमा जाते हैं। और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, कथा के नाम पर अल्लाह अल्लाह मोला मोला शुरू हो जाते हैं। तो जो कथा कराने वाला होता है वो तो सर पीट लेता है, क्योंकि जो लोग सुनने आते हैं वो तो श्री राम, जय श्री राम, श्री कृष्ण की कथा सुनने आए होते हैं, और ये अल्लाह मोला करने शुरू हो जाते हैं। कई जगह पर ऐसा हुआ, और फिर बहुत बदनामी हुई, तब ये मामला सामने आया। तो अगर ऐसे जिहाद हो रहे हैं कथा के नाम पर, अगर इस तरह के हमले हो रहे हैं आपके धर्म के ऊपर, तो इन कथा वाचकों को फौरन बायकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि आसाराम जैसे बहुत से लोग इस देश में पल रहे हैं, और हम लोग इतने ज़्यादा भोले भंडारी हैं, इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, दिमाग से बिल्कुल पैदल हो जाते हैं, अगर हमारे को कोई सामने गेरुए रंग के कपड़े पहनकर तिलक लगाकर सामने आ जाता है ना, बस हम तो दंडवत प्रणाम करना शुरू कर देते हैं। ये हमारी अंधभक्ति कहिए, अंधश्रद्धा कहिए, या फिर हमारा भोलापन कहिए, हम सब इनके चंगुल में आ जाते हैं और इनके हाथों अपने धर्म का नाश करा लेते हैं, सर्वनाश करा लेते हैं। तो इनके साथ हमें बिल्कुल वही करना चाहिए जो आप लोगों ने आशा राम जी के साथ किया। ये कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। इनकी कलाई खोलिए, इन्होंने YouTube पर भी बहुत सारे चैनल बना रखे हैं, आप इनके YouTube चैनलों के उनके वहां पर उनको पकड़ सकते हैं। और इन्होंने जितने भी सोशल चैनल बना रखे हैं वहां पर, और इनकी इतनी ज्यादा पब्लिसिटी कर दी जाए कि हर एक व्यक्ति इनके पास जाने की सोचे नहीं, इनकी कथाओं का पूरी तरह बायकॉट कर दिया जाए। बहिष्कार सबसे आसान तरीका है किसी को भी अपनी जिंदगी से हटाने का, अपने धर्म से हटाने का, अपने देश से हटाने का। बहिष्कार कर दीजिए, बिल्कुल बहिष्कार कर दीजिए। तो इस टॉपिक पर आपके क्या विचार हैं,
ये हमारी आज की लाइव का सेकंड टॉपिक था और बहुत ही हिम्मत वाला टॉपिक है। इसके ऊपर हमें सिर्फ नारे लगाने से, ट्वीट करने से या ब्लॉग्स लिखने से कुछ नहीं होगा। हमें इनकी पोल बकायदा खोलनी पड़ेगी और इनको फौरन गिरफ्तार कराना होगा। तीसरा टॉपिक है आज का हमारा पंकज पुनिया का। अदिति सिंह जी जो कांग्रेस की एक बड़ी नेता रही हैं, उनके पिता भी एक बड़े नेता रहे हैं और कांग्रेस की महिला स्त्री विंग की एक बहुत बड़े राष्ट्रीय संगठन में एक मंत्री पद है इनके पास, बहुत अच्छा पद है इनके पास और ये विधायक हैं थी। और इन्होंने पंकज पुनिया जो कि इन्होंने एक ट्वीट किया था, बहुत ही अश्लील ट्वीट किया था पंकज पुनिया ने, जिसके खिलाफ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, इनको गालियां पड़ी थी। उन्होंने क्या ट्वीट किया था वो आप खुद ही पढ़िएगा, क्योंकि वो इतना अश्लील और इतना गंदा है कि मैं उसको बोलकर अपनी जुबान गंदी नहीं करूंगी। अदिति सिंह जी ने उसके खिलाफ बोला और बोलना भी चाहिए था, एक स्त्री होने के नाते उन्होंने जो किया वो वंदनीय है, शोभनीय है, उनको ऐसा करना चाहिए था। लेकिन पूरी कांग्रेस में क्या और कोई स्त्री नहीं है? स्त्री जाति की जो उन्होंने पंकज पुनिया ने निंदा करी है, तो उसके खिलाफ तो सारी लेडीज को, सारी औरतों को, सारी स्त्री जाति को खड़े हो जाना चाहिए था। अगर कांग्रेस में कोई भी नारी है, कोई स्त्री है, तो वो खड़ी क्यों नहीं हुई? सिर्फ अदिति सिंह क्यों खड़ी हुई? और वो खड़ी हुई तो कांग्रेस ने उसका साथ क्यों नहीं दिया? क्या पॉलिटिक्स इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि नारी की सम्मान, नारी का मान, जिसको देवताओं की तरह पूजा जाता है हमारे देश में, तो उसका अपमान होते हुए देखा उन लोगों ने और कोई सामने नहीं आया? अदिति सिंह के फेवर में आना तो दूर, उन्होंने उनसे उनकी विधायकी छीन ली, उनसे कांग्रेस का पदवी छीन ली, उनकी स्थान छीन लिया, उनसे उनको बेदखल कर दिया। खैर, ये आपके और हमारे हित में है। रायबरेली अब हमारे हित में आ गया, अब वहां पर मोदी सरकार बनेगी और जरूर बनेगी। लेकिन कांग्रेस जो ऐसा कर रही है अपने बड़े बड़े नेताओं, हाँ जी बहुत कद्दावर नेता रहे हैं कांग्रेस में, कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े लोग रहे हैं, अच्छे बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को कांग्रेस अपनी बेवकूफियों के तहत छोड़ती जा रही है, उनको खोती जा रही है, उनका अपमान कर रही है, उनका साथ नहीं दे रही है। अभी कुछ समय पहले किसको खोया था उन्होंने? सिंधिया जी को खोया था ना, उससे पहले भी समर जी को खोया था उन्होंने, और अब अदिति सिंह जी, ऐसे एक एक करके वो अपने नगीने उखाड़ कर खुद ही फेंकती जा रही है। ऐसा कोई बेवकूफ होगा? मतलब मैं तो सोचती थी कि इनके जो पूर्व अध्यक्ष थे राहुल गांधी, वही एक बेवकूफ है इनकी पूरी कांग्रेस में, लेकिन यहाँ तो पूरी ही कांग्रेस बिल्कुल ही पैदल है दिमाग से। इनके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर थोड़ा भी दिमाग हो और वो काम करता हो। महेंद्र सिंह चौहान जी, जय श्री राम जी, प्रभु दयाल जी, जय श्री राम जी, प्रभु दयाल जी, कैसे हैं आप? राजेश सिंह जी, कैसे हैं आप? रंजीत गहलोत जी, जय श्री राम जी, कैसे हैं आप? बलवंत सिंह चौहान जी, हिमानी खेरा जी, जय श्री राम जी, रंजीत गहलोत राणा जी, जय श्री राम जी। मजदूरों की बहुत गलत गलत फोटोज आ रही हैं, बहुत ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई दे रही हैं, देखने और सुनने को इतना कुछ दे रहा है कि मन द्रवित हो रहा है। छुरियां चल रही हैं छाती पर, ऐसा लग रहा है कि हम उनके लिए क्या करें और क्या ना करें। एक वीडियो में तो मैंने ये देखा कि सड़क पर बैठा हुआ एक व्यक्ति जो कि विक्षिप्त सी हालत में था, सड़क पर पड़े एक जानवर का मांस खा रहा था, तभी वहां से गुजरती हुई एक गाड़ी में किसी ने देखा और उसको अपना लंच बॉक्स दिया, खाना दिया, पानी दिया। तो अगर ऐसा हो रहा है, अगर आपके पास भी ऐसा हो रहा है और अगर ये किसी की राजनीतिक चालों के तहत अगर यहाँ से मजदूरों को पलायन पर मजबूर किया जा रहा है, तो आप उनका जरूर साथ दीजिए और आपको देना भी चाहिए, है ना? बहुत ज्यादा जरूरी है, इंसानियत के नाते दीजिए, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह है। अगर आपके पास इतना है कि आप अपना पेट भर सकते हैं, उसके बाद अगर आपके पास बचता है या आप बचा सकते हैं, तो जरूर ऐसे लोगों की सहायता करिए और आंख बंद करके करिए,
कैमरा बंद करके करिए, ना किसी को दिखाइए और ना किसी को बताइए। पुण्य का कोई भी असर नहीं होगा आपके ऊपर अगर आप उसको सोशल कर देंगे, अगर आप उसको चैनलाइज कर देंगे। देखिए न्यूज़ चैनल वालों की तो ये व्यवस्था है, उनको अपने चैनल चलाने हैं, अपनी दुकान चलानी है। आपकी तो कोई व्यवस्था नहीं है ना। अगर आप इस तरह का कोई भी परोपकार करते हैं तो किसी के सामने उसको दिखाइए मत, बताइए मत। एक हाथ से दीजिए और दूसरे हाथ को पता ना लगे, इस तरह आप परोपकार कीजिए। चाहे आप छोटा सा कीजिए, चाहे आप 4 रोटी किसी को दीजिए, चाहे आप 4 लाख किसी को दीजिए, लेकिन चुपचाप दीजिए, किसी को मत बताइए। आपका किया दिया सब खत्म हो जाएगा, है ना। और अब सुना है कि मौसम में बदलाव आने वाला है, साइक्लोन जो आया है पश्चिम बंगाल में, उसकी वजह से थोड़ा बहुत असर तो हमारे महानगरों में भी आएगा और दिल्ली की हवा भी बदलेगी। यहाँ पर भी मौसम में कुछ आंधी तूफान और बारिश आएगी। तूफान का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि इस तूफान ने तबाही तो बहुत लाई, लेकिन हमारी जान का तूफान से हानि बहुत कम हुई। पहले क्या होता था, इस तरह के तूफान आते थे और हमारे गांव के गांव साफा हो जाते थे, गायब हो जाते थे, मिलते ही नहीं थे। लेकिन आप भला हो इस टेक्नोलॉजी का कि इन तूफानों का असर हमारी जानों के ऊपर नहीं हो रहा। कोरोना की दवा कब आएगी, ये अब हमारा चौथा टॉपिक है और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। कोरोना की दवाएं हमारे देश के साथ साथ बहुत सारे और देश भी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वैक्सीन खोजी जा रही है, इसके टीके खोजे जा रहे हैं और इसकी दवाएं खोजी जा रही हैं, और उसमें बहुत सारी सफलताएं मिलने की गारंटी कई लोगों ने दी है। बस अब उसके ऊपर उपचार चल रहा है, उसके ऊपर एक कहते हैं ना कि उसको टीके को उपयोग करके, उसकी वैक्सीन को उपयोग करके देखते हैं। उसमें 6 से 8 महीने लगते ही हैं ताकि उसका रिजल्ट सामने आए, तो उतना समय तो लगेगा। और अगर कामयाब हुआ तो 1.5 साल में कोरोना चला जाएगा। वैसे भी कोरोना एक तरह का फ्लू ही है ना, ये एक तरह का फ्लू ही तो है। और इसका डेथ रेट कितना है, 1 या 2% है ना। और हम इसको सोशल डिस्टेंसिंग से आराम से बच सकते हैं, तो क्यों ना इससे बचा जाए। महामारी तो वो थी जो 1919 में आई थी, हैजा आया था, कॉलरा, याद है आपको, कितनी न्यूज है इसकी उसके बारे में। 85 सालों तक उस पर शोध हुए, किसी ने उसके उसका वायरस तो खोज लिया, लेकिन वो ये नहीं खोज पाया कि इस वायरस को कहाँ पर ढूंढा जाए। उनको ये लगा कि ये खून में होता है, लेकिन शंभुनाथ नाम का एक व्यक्ति था जिसने, जो हमारे देश में 1945 में पैदा हुए थे, नहीं 1915 में शायद पैदा हुए थे, और 45 में उन्होंने ये खोज निकाला कि शंभुनाथ जी ने कि ये जो वायरस है खैजा वाला, कॉलरा वाला, ये हमारी आंतों में जाता है, हमारी छोटी आंत में जाकर हमारे खून को गाढ़ा कर देता है, और जब ये खून गाढ़ा हो जाता है इसलिए हम लोग मर जाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने तभी वो ORS जो आजकल चलता है ना, ORS का घोल पिलाओ, कोई भी हम बीमार हो जाते हैं तो ORS का घोल बनाते हैं, तो वो ORS की इन्वेंशन तभी हुई थी। ORS पिलाया गया लोगों के शरीरों में, पानी की कमी ग्लूकोज या ORS से पूरी की गई उनकी, और इस तरह लाखों जानें बची। तो शंभुनाथ जी का नाम नहीं आता, कभी भी आपने सुना नहीं होगा कि हैजा और कोलरा से बचाने वाला हमारे देश में कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा डॉक्टर है, कौन सा ऐसा नोबल प्राइज विजेता है जिसकी वजह से हमारे देश से कोलरा और हैजा जैसी बीमारी का नाश हुआ। नहीं पता होगा, पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि हामिद यामिद कुछ ऐसा नाम है जिसके नाम पर इसको प्रचार किया गया कि उनकी वजह से ये बीमारी यहाँ से गई। हिंदू का नाम नहीं लिया गया, हिंदू का नाम लेते तो फिर कैसे चलती कांग्रेस की राजनीति। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में आप पढ़िएगा कहानियों में, कथाओं में। अगर मैं अभी पूरी डिटेल आपको सुनाने बैठ गई तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना हिंट जरूर दूंगी कि शंभुनाथ जी को नोबल प्राइज के लिए उनको कई बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन उनको कभी भी नोबल प्राइज नहीं मिला। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वो अमेरिका से पढ़ाई करके आए थे, उन्होंने PhD करी अमेरिका जाकर, और उसके बाद भी वो इंडिया लौट कर वापस आए, कलकत्ता वापस आए, और कलकत्ता में उन्होंने
ये खोज करी है कि ये जो वायरस है ये कहाँ पर अटैक करता है और उसको कैसे, इस पर विजय प्राप्त करी जा सकती है। लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाने वाला, उनको सिर्फ हमारे देश में नहीं, हमारे देश में बहुत कम सम्मान दिया गया लेकिन विदेशों में उनको बहुत सम्मान दिया गया। आप पढ़िएगा, हरियाणा के थे वो, हरियाणा में बबेला कुछ ऐसा करके जगह है, अभी भी वहाँ के स्कूलों में सिलेबस में उनकी स्टोरी पढ़ाई जाती है, उनकी कहानी पढ़ाई जाती है और उन स्कूलों में उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं और वहाँ के बच्चों को ये बताया जाता है कि शंभुनाथ जी कौन थे, उनकी वजह से हैजा और कॉलरा नाम की ये बीमारी ख़त्म हुई थी और एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, शोधकर्ता थे, एक बहुत बड़े डॉक्टर और साइंटिस्ट थे। उन लोगों को हरियाणा में ये स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है, अगर आप इनकी कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। खैर, राजनीति जो ना करा ले वो कम है और राजनीति ने जो ये मुस्लिम की राजनीति है, कांग्रेस ने जो करी है, मुस्लिम के नाम पर खड़े होकर, नेहरू के नाम पर खड़े होकर, गांधी के नाम पर खड़े होकर, एक नहर के नाम पर नेहरू हो गया, एक गांधी के नाम पर इन्होंने अपने बाप से नाता तोड़ लिया, ऐसा खानदान जो किसी का नहीं हुआ वो केजरीवाल जी का कैसे होगा। केजरीवाल जी जो इनके पीछे चल रहे हैं, सत्यानाश कर देगी ये कांग्रेस, अपनी तो रही नहीं, इनकी औलादों ने इन्हें कहीं का ना छोड़ा। रमेश विश्वकर्मा जी, जय श्री राम जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। इस लॉकडाउन परिवार के मंच पर, मन की बात के मंच पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत है और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। बहुत सारी बातें अभी मैंने शेयर करी हैं आप लोगों से, बहुत सारी और करेंगे, रोज लाइव आते रहेंगे। अच्छा, आप में से कितने लोग अपना व्यापार संभालने लग गए, अपनी दुकानों पर जाने लग गए हैं या अपनी नौकरियों पर ज्वाइन कर लिया है आपने, ये भी जरूर लिखिएगा। क्या वही व्यापार, जो भी काम कर रही हूँ घर से ही कर रही हूँ, घर के बाहर बिल्कुल नहीं निकली हूँ, लॉकडाउन में ही हूँ अभी तक, तो आप बताइएगा कि लॉकडाउन से बाहर जितने भी व्यापार चल रहे हैं, जितनी भी नौकरियां चल रही हैं, क्या वो सही से चल रही हैं या चल पाएंगी आगे, क्या उनका भविष्य है, और क्या मजदूर जो चले गए यहाँ से, पलायन कर गए, क्या रोहिंग्यास को उनकी जगह दी जा रही है या दी जाएगी, या उनके बिना आपका काम चल रहा है, ये भी जरूर लिखिएगा। प्रभु दयाल जी लिख रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही है, फिर से आवाज़ नहीं जा रही है, तो मैं फिर से इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। ज्ञानेश्वर तोलदर जी, जय श्री राम जी, शायद आवाज़ नहीं जा रही है मेरी, प्रभु दयाल जी बोल रहे हैं कि मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, कोई बात नहीं, हम कल फिर लाइव पर आएंगे और कोशिश करेंगे रोज़ यहाँ पर मिलते रहने की। आपकी जो भी बात हो, जो भी आप कमेंट में लिखना चाहें जरूर लिखिएगा, उससे हौसला मिलता है बात करने का। तो जय श्री राम, वंदे मातरम, फिर मिलेंगे इस वादे के साथ। भारत की ये बेटी वर्षा जैन आपसे इस समय विदा लेती है।